हेलो गाइस, होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। और मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आज का दिन कुछ स्पेशल है क्योंकि आज के दिन कुछ एक फेस्टिवल है जिसको हम बरगदाही कहते हैं, और उसके अलावा आज शाम को घूमने का भी प्रोग्राम है। तो एक एक करके आपको दिखाएंगे। पहले आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम सुबह हुआ है और सुबह मैं उठ नहीं पाया, तो जो लोग गए थे उन्होंने ये पूरा एक वीडियो बनाया जहाँ पे एक पेड़ की और पूजा वूजा की जाती है। उस वीडियो को मैं आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद जो शाम का प्रोग्राम है वो हम लोग जा रहे हैं जहाँ घूमने, वो भी मैं आपको बताऊँगा। पहले ये अरे बाहर जाए उधर से मंदिर के आगे से। वीडियो देखा होगा, वो वीडियो में आपने देखा होगा जैसे कि लोग पूजा कर रहे हैं, सारी जितनी लेडीज होती है वो पूजा करती हैं, तो आज के दिन ये पूजा का प्रोग्राम होता ही है। इसके अलावा अब हम लोग आज घूमने भी जा रहे हैं, और घूमने के लिए हमने जो प्लेस डिसाइड की है वो है जेके मंदिर। और थोड़ा सा देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। ये है गुड सर जो आ गए हैं, जो बहुत ही एक्साइटेड हैं घूमने के लिए। स्केट भी ले जाऊंगा। स्केट्स नहीं ले जाएंगी आप? ले जाऊंगा। स्केट्स नहीं ले जाओगे? वहाँ स्केट चलाने की जगह नहीं है। जगह है, ठीक है, जेके टेम्पल कोई जगह नहीं। हम सबसे पहले रेडी, ये रेडी हैं, ये रेडी हैं, उसके बाद ये सब रेडी हैं। एंड दिस जर्नी स्पॉन्सर्ड बाय मीनू मिश्रा। मुझे तो पता ही नहीं था। इनके भाई को सब्सक्राइब करें, और कंटेंट यही होगी आज हमारा। ये आप चेहरा देख लीजिए, खूबसूरत सा चेहरा मीनू मिश्रा का, और पीछे एज यूजुअल अभी तक तैयार हो रही हैं कि हो गई हैं, हो रही हैं, और ये दोनों घुस गया लग रही मेरे भावी फ्यूचर। और इसको तो आप जान ही रहे होंगे, छोड़ो इसको तो क्या दिखाना है। ये तो फिर चलते हैं। अब हम आ चुके हैं अपनी बड़ी दीदी के घर उनको लेने के लिए, क्योंकि वो भी आज घूमने के लिए तैयारी में है। और ये हमारे जीजा जी, प्यारे जीजा। इधर से डायरेक्शन चेंज कर दिया। इंडिया हैवीवेट चैंपियन। अच्छा, इनका वीडियो में आ जाओ पहले। मगर आपको इनके वीडियो दिखाऊंगा, बहुत बेहतरीन वीडियो है जीजा के वेट लिफ्टिंग के। 75 में और ये बैठी है मैडम अंदर, लेकिन अभी चलने के लिए तैयार। तो चला जाए, आ जल्दी आ। छुट्टी सफर दीदी के घर के आसपास का, सब लोग बड़े ही मजे में हैं। अभी चलते हैं और निकलते हैं। हम पहुंच चुके हैं जेके मंदिर। ये आप देख सकते हैं नज़ारा जेके मंदिर का। मगर जेके मंदिर का नज़ारा थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ। तो हम लोगों का सफ़र यहाँ से शुरू हो गया, और आप देख रहे होंगे कि जेके मंदिर का नज़ारा कितना ही सुंदर। और ये पूरा आसपास का जो एरिया है, ये पूरा मंदिर है जेके, मतलब जुग्गी लाल कमलापत, जो कि बहुत ही बड़े व्यवसायी हुआ करते थे, उनका ये भव्य मंदिर। इस मंदिर को हम अक्सर बहुत सालों से देखते आ रहे हैं, और आप जरा इस दृश्य को देखिए और थोड़ा सा आनंद लीजिए।
बाकी हम चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं बाकी मंदिर के अंदर का नज़ारा। हम लोग अभी बैठे हैं घास पे और क्योंकि अभी हमने पूछा है तो पता चला है कि जो मंदिर के पट हैं वो 8:30 बजे तक खुलेंगे, तो हम इंतज़ार में हैं कि जैसे ही खुलते हैं तो आपको भी दर्शन कराते हैं मंदिर के अंदर राधा रानी और जो प्रतिमाएं हैं उन सब की। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा लग रहा है देखने में। ये देखिए कितना अच्छा दृश्य है मंदिर का। बूढ़ी अपनी स्केट्स की तैयारी में लगे हैं, उनको एक मौका मिला है शायद यहाँ भी स्केट्स करना चाहेंगे। बाकी सब घास के, कितना सुकून मिलता है इस घास में बैठ के। सच में पत्थरों के घरों में रह के हम लोग घास की अहमियत को ही भूल गए हैं, जो कहीं पर जाओ तो ही समझ में आती है। दोस्तों मंदिर के अंदर आ चुके हैं, कोशिश ये है कि आपको मंदिर का नज़ारा दिखाएं। तो गाइस आपको हमने दिखाया है इस जेके मंदिर का नज़ारा, कुछ नज़ारे जो कि जाते हुए दिखा पाएंगे हम, ये दिखा रहे हैं। हम लोग लौट रहे हैं अपने उद्गम स्थान, क्या घर की ओर, मुस्कुराहटे चेहरों पर सारी मुस्कुराहटे हैं चेहरों पर, इनके गुड़ी के चेहरे पे मुस्कुराहट। हम लोग घूम के जेके मंदिर से आ गए और अब बैठे हैं अन्ना डोसे वाले पे डोसा खाने के लिए। कुछ लोगों ने खाना शुरू कर दिया है, इंतज़ार नहीं हुआ उनसे हमारी दीदी ने, और कुछ लोग सिर्फ ताक रहे हैं, कुछ लोग शुरुआत कर चुके हैं। तो कैसा लग रहा है डोसा खाने? डोसा बहुत बढ़िया है, ये डोसा खाना है आपको। तो चलिए डोसा खाते हैं, डोसा खा के फिर बताते हैं कैसा था डोसा। तो आ गए हम लोग जेके मंदिर घूम के और आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, एक मनोरम स्थल के दर्शन और ये गुड़ी सन है जो जिनकी हरकतें हमेशा हमें झेलनी पड़ती है। तो फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, मगर इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन का इंतज़ार रहेगा। और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, अगले किसी बड़ी बहन के घर में, मे बी और कहीं और। तो चलिए तब तक अमेरिका में नमस्कार।